ना मालूम है मेरा, बोले हो ना, बोली सी, बोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। और इस आंखों की मस्ती के चक्कर में ना तुम्हारे जैसे बहुत सारे बौरे हमारे आगे पीछे से भिनभिनाते रहते हैं, तो क्या करें, सबको अपना मधु बांटे हैं, नहीं ना बेटा। हमसे ब्याह करने के लिए ना अपने औकात बढ़ाओ, औकात, ये डोले दाढ़ी मुझ बना के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आई बड़ी ब्याह करनी, 10 साल के थे तब विधवा हो गए, और मेरे सास ससुर हमारे उस 50 साल के बुढ़े पति के साथ हमको सती करवा देना चाहते थे, हमने तो दिया कंचा और निकल ले। बस तभी से सोच लिया था किसी ऐसे के हाथ आएंगे जो हमको संभाल पाए, तुम जैसे टटपुंजी चिल्लर के हाथ नहीं। हाँ करने बोली से मारने तो पड़िया खड़े नहीं, क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, वो अंग्रेज के पीछे से उसको मारने का एक्शन क्यों कर रही थी तुम? हाँ अगर देख लेते ना तो तुम्हारे साथ साथ हमको भी जेल हो जाती, पता है तुमको जेल में चक्की। एक बात बता बेटा, तुम्हारी अम्मा चंबल की डाकू थी कि स्वतंत्रता सेनानी, क्या थी? जब तक तुम लड़ने के लिए तैयार रहती हो चले चले चले, अम्मा तो छोड़ के चले गई, पता नहीं किसका पाप ढो रहे हैं, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा खासा शादी वादी का बात चढ़ा था, हाँ हाँ हाँ, स्वयंवर रखा है ना, माला पहना गया।